हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर दिस नेक्स्ट वीलॉग। इतना वक्त लगा दिया मैंने नेक्स्ट वीलॉग बनाने में, इट्स क्वाइट एज आई थिंक 6 महीने हो चुके हैं, बिकॉज मेरी साइकिल चोरी हो गई थी और ये लोग मिडिल क्लास फैमिलीज तो पैसे सेव करते करते साइकिल बाई की है। अब तो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था साइकिलिंग, बट आई विल नॉट पोस्टिंग वीडियोज़। मैंने नई साइकिल ली और फिर मैंने मेरा गांव जाने का प्लान था। अभी जो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी क्रिसमस हॉलीडेज, तो मेरा गांव जाने का प्लान था, लेकिन अब्बा हुजूर हमारे उन्होंने मना कर दिया। बोले हमारा गांव 300 किलोमीटर है, और पहली बार भी मैं चाह रहा था मैं 300 किलोमीटर चला जाऊँ, बिकॉज मैं राइड करता रहता था। बट हमारे अब्बा हुजूर ने कहा नहीं भैया, नहीं जाओगे, कुछ भी हो आप कार से जाओ, आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, बट साइकिल से नहीं जाओगे। और फिर काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी डिस्कशन के बाद आपको पता ही है जीत किसकी होनी थी तो अब बावजूद जीते और हम नहीं गए। फिर उसके बाद मैं छुट्टियों से वापस आके मैं कल गया था साइकिलिंग पे, तो आई थॉट ही मस्ट बी राइट। वो कुछ पॉइंट पे सही भी थे कि एकदम से इतना दूर जाना इट रिस्की भी हो सकता है, तो मैंने कल एक राइड लिया, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक माई स्ट्रेंथ और द कैपेसिटी। सो आई हैव गॉन 30 किलोमीटर्स, 15 टू एंड फ्रो, सो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। द स्क्रीन शॉट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। सो स्क्रीन शॉट देख लिया आपने, तो इट इज़ 30 किलोमीटर। तो अब मैं सोच रहा हूँ, वो मैं तो कल गया था यानी 31 दिसंबर पे, आज 1 जनवरी है, तो अब मैं जा रहा हूँ, मेरे मामू रहते हैं तुगलकाबाद फोर्ट के पास, तो आई एम गोइंग देयर, इट्स अराउंड 38 किलोमीटर। तो लेट्स आई एम होपिंग कि मैं एक बार में ही पहुँच जाऊँगा, बिकॉज कल मैंने रेस्ट भी लिया था 15 मिनट का, और देन मैं 15 किलोमीटर गया था, 15 किलोमीटर आया था। अब मैं 38 किलोमीटर जाऊँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी रेस्ट, ऑफकोर्स स्मॉल रेस्ट इन बिटवीन। सो आई एम ऑल रेडी टू गो एंड शू अप एंड ऑल। बस मुझे हेलमेट लेना है और एक वाटर बॉटल लिए एंड ग्लव्स लिए, हो सकता है मैं रात को लेट हो जाऊँ तो ठंड लगी मेरी, और एक बैग लिया है जस्ट टू कैरी माई सेल फोन ऑन, दैट्स इट। और बाइक रेडी है। ग्रेटर कैलाश पहुँच गए, जी के 2 की चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बट मंजिल दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर और मैं पहुँच जाएंगे तुगलकाबाद फोर्ट। रेस्ट लेता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर चलेंगे। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर डन। थोड़ी सांस लेता हूँ मैं।
मंजिल पे पहुंच गए। तुगलकाबाद फोर्ट स्टार्ट तो हो गया है, जहाँ पे साइन बोर्ड लगा है वहाँ तक जाएंगे। तुगलकाबाद फोर्ट से तो देखा है, वहाँ से निकल गए शूटिंग रेंज वाले रोड पे। कज़न के यहाँ जा रहा हूँ शाम के यहाँ, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर देम। शूटिंग रेंज वाला रोड है बड़ा मस्त, तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कवर होने वाला है। घर पहुँचता हूँ मामू के, फिर अपडेट करता हूँ। पहुँच गए हम चांद के यहाँ पे। चांद स्वागत नहीं करोगे हमारा? करेंगे करेंगे, पापा कह रहे कोई आवाज दे। मैं जब भी यहाँ से आता था गाड़ी से तो मैं यही सोचता था कि मैं वहाँ पे गाड़ी लगा के और थोड़ा इस माहौल का मज़ा लूँ। इस तरफ रोड ये गोल चक्कर, उधर एयरपोर्ट लाइन जा रही है, उधर रोड सीधा सीखी जा रहा है, मुझे से आ रहा है। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं साइकिल से आऊँगा यहाँ, तसल्ली से खड़े होंगे, वो भी जब सनसेट हो रहा होगा उसका मज़ा लूँगा। तो आई हैव रीच्ड होम, इट्स अराउंड 7,
7 बजे 4 घंटे मोटा मोटी लग गया, 4 साढ़े 4 घंटे, बट मैं बहुत स्लो आया बिकॉज पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ से गया था देन सिर्फ नाइट स्टे किया देन दोबारा से निकल आया सुबह उठते अराउंड 2 o'clock, तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से कि अब्बा हुजूर सही थे, अच्छा हुआ 300 किलोमीटर एक बार में नहीं गए, लंका लग जाती बहुत बुरी वाली। तो अभी से बहुत ज़्यादा पैर में पेन हो रहा है, टू टायर्ड, बट यस रीच्ड होम और शुक्र है पहुँच गया, मतलब 38-40 किलोमीटर्स कवर कर लिए एक बार में गए एक बार में आ गए, तो मतलब हल्के हल्के। लेट्स सी आप और कहीं का प्लान करते हैं देन आई लेट यू नो। और आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस एंड आई एम होपिंग दैट बाय 31st March आई क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स, होप सो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।